सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आपसे, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाय हाय गाइस, हम जा रहे हैं रामपुर और दिखाते हैं किले को, जो जैसी जगह मिलेगी वैसी दिखाते हैं। आज दिखाते हैं हम तुम्हें रामपुर सिटी, जो आजम खान के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये है रामपुर ब्रिज, रामपुर वाला ब्रिज, और ऊंचाई पर चल रहे हैं और हमने कर दी अपनी जर्नी स्टार्ट। पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में रामपुर, कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। एंड वेलकम टू डेथ माय चैनल। दोस्तों आज फाइनली हम आ चुके हैं नवाब साहब के किले पर, और किले के अंदर हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और इसमें घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, घूमने के लिए आते हैं। और गाइस हवा बहुत तेज चल रही थी और हवा ने नीचे को धकेल दिए, तो देखिए इसके अंदर जब घुसते हैं तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि नवाब साहब के ज़माने की जो चीज़ें पुरानी पुरानी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। गाइस बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि बाहर से है और इससे भी सोगना सुंदर अंदर से लगता है। ये गाइस कभी देखना रामपुर में आना, अगर रामपुर में किला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि सुंदरता बहुत अच्छी बनी हुई है इस समय। क्योंकि इतना जब नवाब साहब ने पैसा लगाया था तो इस चीज़ में लगाया था, और वाकई नवाब साहब के नाम से ही सिटी जानी जाती है रामपुर का किला, बहुत ही बेहद खूबसूरत है, देखना। फाइनली हम आ चुके हैं रामपुर का किला, जो कि देखिए हमारे पीछे दिखाई दे रहा है किला, बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। देखिए नज़ारा, कितना शानदार लग रहा है। देखिए ये हैदर भाई चल रहे हैं हमारे, मास्क हटाइए यार। देखिए कितना शानदार है, गाइस अब घुसते हैं हम किले के अंदर, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर। गाइस इसमें बहुत पुरानी पुरानी जो देखने लायक चीज़ें हैं वो आपको देखने मिलेंगी इस लाइब्रेरी में, जो कि नवाब साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, और इसमें कुछ पुरानी किताबें भी हैं। गाइस इसकी सुंदरता देखिए, कितना डिज़ाइन दिया है बनाने का तरीका देखिए, और इसमें खूबसूरती कितनी है, खूबसूरती के बारे में देखिए।
है।